गुड मॉर्निंग यू गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल कनपुरिया क्वीन। माई नेम इज रितिका। सो दिस इज अ संडे व्लॉग ऑफकोर्स। एंड मतलब पता है मुझे ना, मतलब कल मैं ग्रोसरी शॉपिंग गई थी, तो मैं वहां से कुछ कुछ चीजें लाई हूँ। सो पहले मैं सोच रही थी इसका शॉर्ट वीडियो बनाऊ, बट हाँ, बहुत सारे लोगों को इसको नहीं पता है कैसे बनाया जाता है, और मैं तो फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ, तो मैं आपके साथ इसका एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मैं कोई भी रेसिपी यूट्यूब से देख करके नहीं बना रही हूँ, इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे ना बस वही बना रही हूँ, और आगे भी मैं क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें करूंगी वो तो आपको पता ही चल जाएगा व्लॉग के दौरान। बट ये जो स्टार्टिंग है ये मॉर्निंग से शुरू हो रही है, और ब्रेकफास्ट में मैं इसे बनाऊंगी और लंच में मैं इसे खाऊंगी। सो लेट्स गो, पहले देखते कि मैं बनाने क्या वाली हूँ। सो कल मैं जब ग्रोसरी गई थी ना, तो मुझे ये कस्टर्ड मिला। ये बचपन में पता है मेरी एक आंटी थी, वो हमें बना के बहुत खिलाती थी, लेकिन आई थिंक मैंने 14 to 15 ईयर्स मैंने ये नहीं खाया है। सो जब मैं कल गई थी ना, तो मुझे ये मिला। ये 37 रुपीस का मुझे मिला है। ये ब्राउन पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर है, तो इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। टेक मतलब पहले आप ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शन मैं बताती जाऊंगी और बनाती जाऊंगी। गाइज मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ना छोटी छोटी क्वांटिटी में बना रही हूँ, लाइक बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं पहली बार ट्राई करी, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी सामान वेस्ट और मम्मी मुझे घर से बाहर निकाल दें। सो पहले तो मैं थोड़ा थोड़ा बनाऊंगी सब कुछ, थोड़ा मतलब ऐसे दो लोगों के लिए थोड़ा, कि हम टेस्ट कर सके, बस इतना। यहाँ पे पहले मैंने पतीला ले लेना है, और पतीले को हमें चढ़ाना है गैस पे, लो फ्लेम पे चढ़ा दो, बिल्कुल धीरे। एड 2 कप मिल्क, सिर्फ 2 कप मिल्क आपको इसमें ऐड करना है। कुकिंग इन्फ्लुएंसर वाली फीलिंग आ रही है मुझे गाइस, बिल्कुल सिर्फ 2 कप। रॉ कैसा भी कर सकते हो, ठीक है, कर दिया 2 कप। फिर आपको 1 और कप लेना है, और इसमें मतलब अलग कटोरे में डालना है, ठीक है। के बाद ना यू हैव टू ऐड इतना, मतलब लाइक इतना स्कूप चम्मच में चीनी, लाइक इतना, मुझे नहीं पता ही कितना है, बट या अपने स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। फिर इसको ऐसे ऐसे घुमा दें ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। गाइस इसको ना फिर फाड़ लेना है आपको, और 2 चम्मच, लाइक 2 चम्मच डालना है, और इसका कुछ भी टेस्ट नहीं है। मैंने टेस्ट करके देखा है, इसका कोई भी टेस्ट नहीं है। 2 बड़े चम्मच रखना है, और इसे फेंटना है, लाइक घुमाना है, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना आए। अच्छे से घुमाते जाओ, धत्ते जाओ। हम पता है इसको इसमें डायरेक्ट क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि इसमें लम्स बन जाते हैं ना, इस वजह से हम डायरेक्ट नहीं डाल सकते, तो इस वजह से हम इसमें से घुमा रहे हैं ताकि इसमें अच्छा से एकदम मिक्स हो जाए। तो वेट नहीं करना है कि ये उबल जाए, जैसे ही मिक्स हो जाए आप इसको इसमें ऐड कर दो। यस, मम्मी मारे ही अगर गंदा बना। फिर इसको पकाना है आपने, में ऐसे लम्स पड़ना शुरू हो गए हैं, और आप इसको छोड़ के मत जाना कहीं भी, प्लीज इसको घुमाते रहो इसमें। देखो ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो गाढ़ा हो रहा है, प्लीज इसको छोड़ के कहीं मत जाना। ये देखो 2 मिनट में ये गाढ़ा हो गया है, ठीक है, छोड़ के मत जाना, मैं कह रही हूँ दोबारा, वरना फिर पछताओगे, फिर कहोगे बड़ा पछताए हैं। फिर इसको बंद कर दो फटाफट लाइक दिस, और ये देखो, ये देखो कितना गाढ़ा हो गया, एकदम आइसक्रीम के जैसे लग रहा है ना। इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो अगर मन है तो। मैं थोड़ी कोडिंग बना रही हूँ ऐसे डालने के बाद। फिर मैंने इसमें थोड़े बादाम डाल दिए हैं, और फिर इसके ऊपर इन्होंने बोला है कि आप इसे कूल करके खा सकते हो, बट मैं इसे रेफ्रिजरेटर में कूल करूंगी, ताकि ये थोड़ी आइसक्रीम वाली फील तो दे, बट उसके साथ साथ मतलब ये वैसे थोड़ा अच्छे से स्कूप होके निकले। ओके गाइज, मैं सच बताऊं तो मुझसे रुका ही नहीं जा रहा, तो मैं देखने आई हूँ कि इसकी क्या कंडीशन है। ओ माय गॉड, ये तो पूरा ही जम गया है, एकदम जेली जैसा लग रहा है। लेट्स ईट इट। देखो ये कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये बिल्कुल जेली जैसा हो गया ऐसी। ओ माय गॉड, आई एम सो नर्वस। ओ माय गॉड, फोन पकड़ लो पहले से। आई एम सो नर्वस। इट इज सो डिलीशियस। इसको और ठंडा करेंगे अभी हम। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैंने ज्यादा ये वीडियो लंबी नहीं बनाई है, बहुत शॉर्ट बनाई थी, ताकि बस मैं ये कुकिंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक इट देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जो भी अच्छी चीजें आप कर सकते हो वो करो, शेयर करो वीडियोज को, जितना हो सके उतने व्यूज दो। थैंक यू सो मच गाइज, आई लव यू ऑल, बाय।